नाम उर्मेश्वर भावराव एडेकर, खेती मेरा का काम करता हूँ। पहला नाम कुमुद परमेश्वर एडेकर है और मैं नंबर तो उसका 10वीं तक गया ही नहीं, यानी 10वीं में सालेवाटा 3 किलोमीटर है यहाँ से, साइकिल से अप डाउन। उसने कोचिंग में थी वो 11वीं 12वीं के समय, उसको अंक हासिल नहीं हुए, करियर जोन का रिकॉर्ड यानी बहुत अच्छा है। लड़की तो बता रहे टीचर भी अच्छे हैं, बढ़िया। वहाँ पे जो सेल्फ स्टडी के लिए वहाँ पे जाते थे, वो रूम पे नहीं करते थे, पर सेल्फ स्टडी यानी 6 बजे से सवेरे से 10 बजे तक वहाँ रहती थी। करियर जो बहुत अच्छी है, सबको एक जैसा पढ़ाते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो खुद बुला के उनसे प्रॉब्लम सॉल्व करवा लेते। हम टीचर लोग स्टाफ तो अच्छी है। हाँ, नागपुर भेजने की प्लानिंग में थे, लेकिन नागपुर की किसी ने बताया कि करियर जो अच्छा है, अच्छा उतने दूर है। जाने के अलावा पास में अच्छा है, घर के मतलब घर जैसा अच्छा है। तो अपन तो खेड़े पाड़े में, एक छोटा सा गांव है, और खेड़े पाड़े में से एक लड़की जो MBBS होती है ना, एक बहुत गर्व की बात है। मेरा नमस्कार, नाम उर्मेश्वर भावराव एडेकर, मेरा नाम कुमुद परमेश्वर एडेकर है और मैं कुंजश्री की मम्मी हूँ। बच्ची तो अभी सिलेक्शन GNC ना गोंदिया में हो गया है, वो पहले करियर जोन में नीट की प्रिपेयरिंग कर रही थी, उसमें अच्छे से उनको सपोर्ट मिला, अच्छे से मार्क्स लेकर वो अभी उसका सिलेक्शन GNC गोंदिया में हुआ। वो वैसे 11वीं 12वीं गोंदिया में पढ़ी, और वो दूसरे कोचिंग में थी वो 11वीं 12वीं के समय, उसको अंक हासिल नहीं हुए। तो फिर ऐसे हमारे को इंफॉर्मेशन मिली कि करियर जोन अच्छा है, इधर उधर से हमने माहिती निकाले, फिर वहाँ पे हम एडमिशन किए। और करियर जोन का रिकॉर्ड यानी बहुत अच्छा है, वहाँ के टीचर स्टाफ है, झा सर है, हमको तो मार्गदर्शन टाइम टाइम पे मिला। उनका स्वभाव यानी बहुत मनमिलाऊ स्वभाव है, बच्चों के साथ अच्छा है ने मार्गदर्शन, उनको सजेशन देना। एक बार हम गए थे कॉलेज करियर जोन में, उन्होंने बताया कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम आई तो हमसे बात करिए। लड़की तो बता रहे टीचर भी अच्छे हैं, बढ़िया। और वहाँ पे जो सेल्फ स्टडी के लिए वहाँ पे जाते थे, वो रूम पे नहीं करते थे, कोचिंग वहाँ पे होती थी, और दिन भर सेल्फ स्टडी यानी 6 बजे से सवेरे से 10 बजे तक वहाँ रहती थी, टिफिन वगैरह वहाँ पे उनका रहता। जैसे देखा जाए तो करियर जोन बहुत अच्छी है, वहाँ के टीचर स्टाफ वगैरह सबको सजेशन देते हैं, सबको एक जैसा पढ़ाते हैं। अब जो अनुभव है वो तो अच्छा ही है, कभी कुछ प्रॉब्लम है तो सॉल्व करके देते हैं, कुछ एक डिफिकल्ट रहा तो सॉल्व कर देते हैं, अच्छे से बताते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, अच्छे से पढ़ाई की तरफ ध्यान भी देते हैं। और सबसे बढ़िया बात तो हमेशा पढ़ाई की बातें करते रहते हैं, और जो एग्जाम के समय तो टेस्ट जो रहती है वो हमेशा अच्छे तरीके से लेते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो खुद बुला के उनसे प्रॉब्लम सॉल्व करवा लेते हैं। मैं तो वैसा खेती का काम करता हूँ, पारिवारिक तो परिस्थिति अच्छी नहीं होती, लेकिन अभी थोड़ा मेरी मिसेस आशा वर्कर के पोस्ट में है। पहले से ही यानी पढ़ाई बहुत में अच्छी ही टैलेंट थी, पहली से पहला नंबर तो उसका 10वीं तक गया ही नहीं, यानी 10वीं में सालेवाटा 3 किलोमीटर यहाँ से साइकिल से अप डाउन, कोई ट्यूशन वगैरह कुछ लगाए नहीं थे। 94 10वीं में आए थे, और 11वीं 12वीं फिर डीबी साइंस में, तो वहाँ पे भी 75% मिली थी। अभ्यास यानी बहुत ही अच्छी, यानी मेहनती लड़की मेहनत की लड़की है। इसके कोई पहले तो ये कोचिंग में थी, लेकिन उसके यानी दिल से नहीं मिली, हमको उतना मालूम नहीं था पहले। फिर 12वीं होने के बाद करियर जोन के बारे में गाइडेंस भी ला कि अच्छी बात होती है, हम टीचर स्टाफ तो अच्छी है। हाँ, नागपुर भेजने की प्लानिंग में थे, लेकिन नागपुर की किसी ने बताया कि करियर जोन अच्छा है, अच्छा उतने दूर है। जाने के अलावा पास में अच्छा है, घर के मतलब घर जैसा अच्छा है। गोंदिया और हमारा गांव उतना ये नहीं है, इसलिए फिर हमने गोंदिया करियर जोन का चूज किया। और 640 मार्क मिले उसको, और अभी गोंदिया GMC में एडमिशन लिया, और वो कॉलेज में भी चालू हो रहे, इतने जा रही होगी। अपन तो खेड़े पाड़े में एक छोटा सा गांव है,
और खेड़े पाड़े में से एक लड़की जो MBBS होती है, यानी एक बहुत गर्व की बात है। बाकी बच्चों को भी ये मेरा कहना है कि आलतू फालतू इधर कोई गलत चीज नहीं हासिल कीजिए और अपने स्टडी के ऊपर भर दीजिए। ऐसा नहीं कि आदमी सिटी में बढ़ेगा तो उच्च इस पद में जाएगा, ऐसा नहीं है। अपन गांव में रह के भी अच्छे से पढ़ाई करके ज्यादा से ज्यादा अंक लेके हम अपनी जो इच्छा है हाँ अपनी पूरी कर सकते हैं। सर मतलब गांव में भी जो स्कूल है वो अच्छे से पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े कॉलेज में बड़े बड़े स्कूल में जाके पढ़ाई करना, ऐसा कुछ ही नहीं है। सिर्फ बच्चों में लगन होना, सही बात तो ये है, बच्चों में लगन होना है कि मेरे को ये बनने का है, तो वो गांव में रह के भी अच्छे से पढ़ाई करके वो अपनी मेहनत करके अपनी जो इच्छा है वो हासिल कर सकती है। मेरी ये एक सूचना है कि सभी बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं डालें कि बाबा ये टेस्ट हुई या ये टेस्ट में मार्क कम आ गए तो क्यों कम आ गए, उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालने का, उसको सपोर्ट देने का। और इसीलिए कोई ज़्यादा प्रेशर डाले अपन बच्चों के तरफ तो उसका परिणाम गलत गलत भी हो सकता है। भी हो सकता है। तो हमारे आप गांव की ये पहली लड़की है अभी फिलहाल में, बाकी तो उधर को बता नहीं सकते आगे की, लेकिन अभी तक तो पहली लड़की है जो गांव में से अच्छे से मार्क्स लेके MBBS डॉक्टर बनने वाली है। अभी इसके वजह से तो 3-4 लड़कियां भी वहाँ पे करियर धुन में है। तो मेरे गांव की हमारे एक एड़ेकर है, कावेरी एड़ेकर, और चैतन्य चैताली बडोले हमारे घर के पास की है। वो जैसा इसका रिजल्ट लगा तो पूछने आए कि कैसा बात है, इसे करियर धुन है, कैसा है वातावरण उसका। तो इसने लड़की ने बताया तो वहाँ पे एडमिशन वगैरह किए उन्होंने, 3-4 लड़कियां नागपुर छोड़ के करियर जोन में आए और हैं, नागपुर नागपुर का नागपुर छोड़ में के तो कोचिंग बहुत सी कोचिंग है में, नागपुर फिर भी उसने वहां पहले 1 साल 2 साल की मतलब में की। 12वीं तक अच्छे से मार्क्स नहीं मिले, मतलब उसको जो मिलना था वो नहीं मिला, तो अभी करियर जोन में एडमिशन लिया।